जल्दी गाना बंद कर गाओ। तो गाइस फाइनली हम लगे पड़े हैं मेहनत करने, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। और ये देखो ये काम कम डांस ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे ना, मतलब काम तो चल रहा है पर डांस ज़्यादा चल रहा है। और ये चेक करो गाइस, एक ये बना रहे हैं हम, और ये तो बन ही रहा है, ये आप देख सकते हो कितना बढ़िया बन रहा है, मज़ा आ रहा है इसे देख के। मैं बता रही हूं। तो गाना बंद करो यार, कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ ये कौन बना रहा है, स्केच किसने किया है ये? मैंने। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। मोटू ये कौन है, पतलू ये क्या कर रहा है? ये क्या खा रहा है? वाह भाई, ये तो बहुत बढ़िया फ्रूट सुना है यार। आप तो बहुत अच्छी आर्ट बनाते हो यार, आप तो बहुत ज़्यादा अच्छी आर्ट बनाते हो यार। इतनी अच्छी आर्ट तो मैं भी नहीं बनाता यार, और मेरी आर्ट देखो कितनी बेकार है, ये भी और ये भी, मतलब ठीक ठाक है। पांडा बना रहा हूँ मैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे क्या बनाओगे? तुम बनाओगे। मैं क्या बनाऊँगा बताओ जल्दी फटाफट। यहाँ पे हैप्पी बर्थडे बनाएंगे हम, जब भी यहाँ पे बच्चों का हैप्पी बर्थडे वगैरह होया करेगा तो यहाँ पे विश करा करेंगे, तो ये उससे रिलेटेड हम वॉल बना रहे हैं। और यहाँ पे ग्रास बिक जाएगी तो ये थोड़ा उसके उससे रिलेटेड मैं बना रहा है, बनाया हमने मटेरियल। और ये देखो कितना अच्छा काम कर रही है, ये देखो भाई, ये देखो बहुत मेहनत कर रही है लड़की, कलर भी लग गया, ये देखो पैर भी काले हो गए हैं। और मैं तो खैर स्मार्ट लड़का हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं है भाई, ये काम कम करती है और परेशान ज़्यादा करती है मुझे लगता है। नहीं काम भी अच्छा करती है, नहीं बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, मेहनती लड़की है। देखो यहाँ भी लगा हुआ है, हर जगह लगा हुआ है, हम ट्राई कोट भी लेकर आए थे। देखो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, हल्के मत देना, अगर आपको काम कराना तो बता सकते हैं, भले हम थोड़ा मौज मस्ती करते हैं। पता है हम क्या करते हैं, हम आर्ट ही बनाते हैं और इन्जॉय भी करते हैं, काम के टाइम पे काम, उसके बाद जब फ्री होते हैं उसके बाद फुल मस्ती, खाना पीना। और पानी गिर रहा है, तो गाइस यहाँ से पानी गिर रहा है, गाइस यहाँ से पानी गिर रहा है, तो मैं इधर थोड़ा इधर खड़ा जाता हूँ ना, तो पानी गिर रहा है, वरना मैं हो जाऊँगा गंदा हो जाऊँगा। वाह भाई वाह, ये बढ़िया है। ये क्या बन रहा है? अपनी सेल्फ स्मार्ट। अब यहाँ फ्रूट बनेंगे भाई यार, पता है पता क्या बोल रही है मुझे, बोल रही क्योंकि यहाँ से जो भी पैसे कमाएंगे ना तो मैं सारा यहाँ से पालन बोलते हैं, सैलून में ले जाऊँगी। क्या होता है? सैलून होता है। हाँ सैलून, सैलून में ले जाऊँगे। और फिर क्या होगा? मैं सिंगल होऊंगी। अरे यार वाट लगेगी, ये तो कुछ स्ट्रॉबेरी कितनी अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है अभी खा जाऊँ निकाल के। अच्छी बनाई है ना टीचर, अच्छी है हमारी मैडम। अरे वाह, ये वाली स्ट्रॉबेरी तो बहुत ही प्यारी लग रही है यार, मज़ा आ गया भाई, मन कर रहा भी निकाल के खा लूँ। सेब भी और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अरे ये बाल कहाँ से आए भाई, बहुत बढ़िया बनाया भाई, मज़ा आ गया भाई। टैलेंटेड है हमारी टीचर ना, हमारी जो पार्टनर है, आर्ट पार्टनर जो है मेरी, बहुत अच्छी है, टैलेंटेड है, बढ़िया लड़की है, और अच्छी भी एंटरटेनमेंट भी करती है, एंटरटेन करती है। ऐसे होना चाहिए, टेंशन फ्री, मस्त रहो, काम करो और इन्जॉय करो। और ये देखो अभी बन ही रहा है, स्ट्रॉबेरी के पत्ते बन रहे हैं हरे हरे, ये पत्ते हैं ठीक है, स्ट्रॉबेरी के पत्ते नहीं होते तो क्या होता है? वो ऐसी होती है, ऐसा होता है। अच्छा स्ट्रॉबेरी ऐसा होता है, ये देखो कितनी मेहनत है। ये देखो इस पर मैं खड़े होकर ना काम करता हूँ, पर क्या कर रखा है, पूरी ना सीढ़ी पूरी ही वो कवर कर रखी है, इस कलर से फोन भी यहीं रखना, सब चीज़ें यहीं पर रखनी है। और मैं कहाँ रखूँ, मैं बैठा हूँ नीचे छोटी सी कुर्सी पर, प्लास्टिक की कुर्सी पर, देखो इस प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठना पड़ रहा है मुझे गाइस, मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा काम कर करके। हमने सोचा था आज ही दिन ही ख़त्म कर देंगे, फिर हमने सोचा जैसे ही काम ख़त्म होगा तो हम दिल्ली जाएंगे घूमने के, फिर काम खत्म नहीं हुआ तो दिल्ली कैंसिल है। जाना है भाई, ठीक है। कहाँ कहाँ घूमेंगे बताओ, सुबह बताया था। मैं जाऊँगी हुमायूं टॉम्ब और इंडिया गेट जाएंगे, और हम जाएंगे चांदनी चौक, रेड फोर्ट, सब जगह एक बार घूमना देख लो। सब आस पास में ही, मतलब हम यहाँ से एक बार बैठ जाएंगे ना, 50 रुपये का टिकट लगेगा, मेट्रो में बैठ ही जाएंगे तो आस पास ही सारी चीज़ें, तो सब जगह एक साथ ही घूम लेंगे, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। तो गाइस आप मजे लो, ब्लॉग देखो, एंटरटेनमेंट करो, और टेंशन मतलब जब तक मैं बैठा हूँ
ये ऑरेंज बना रही है ठीक है, और जब तक मैं नोएडा में हूँ आपको बढ़िया बढ़िया वो आर्ट दिखाता रहूँगा, टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो यार, टेंशन नहीं लेना। हाँ नहीं हरिद्वार जाने के बाद ही वॉल आर्ट दिखाऊंगा, पर यहाँ भी देखो यहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी वॉल आर्ट बना रहे हैं, अगर यहाँ अच्छा काम आया तो मैं शायद आगे जाके और ज़्यादा अच्छा काम आ सकता है, तो इसलिए कह रहा हूँ आप लोग देख रहे हो तो आप भी कॉन्टैक्ट करना, वॉल दे वॉल आर्ट बहुत अच्छी अच्छी बनाएंगे, वो कहाँ जा सकते हैं हाँ, तो हमारी मैडम बोल रही है कि ऑल ओवर इंडिया जाएंगे हम, अगर जहाँ भी काम आएगा पर उसी हिसाब से हम चार्ज भी करेंगे, इस हिसाब से पेंटिंग बनेगी, जैसी जैसा पेमेंट होगा उसी के हिसाब से हम पेंटिंग बनाएंगे। ओह माय गॉड, हमारी मैडम तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है यार, क्या बात है, सैल्यूट करते हैं मैडम को अपनी, ये देखता था एक्सप्रेशन देखो, अल्टीमेट एक्सप्रेशन। तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए इतना ही यार, मैं थोड़ा बात आपको दिखाता हूँ कंटेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय टाटा, सी यू, लाइक कर दो ब्लॉग को यार, क्या और इंस्टाग्राम पे फॉलो भेज देना ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, आइडिया भी नहीं बताऊंगा ठीक है, जब मेरे 20,000 यूट्यूब पर 20,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं आपको आइडिया बता दूंगा अपनी मैडम की, ये ली जो हमारे साथ काम करती है, ये मेरी मैडम है ना, मैं इनका असिस्टेंट हूँ पेंटिंग में ना, तो जॉब कर रहा हूँ ना इनके अंडर में जॉब करता हूँ मैं ना, तो इसलिए थोड़ा देखना पड़ता है गाइस ठीक है, तो मिलते हैं ना गाइस, बाद में मिलते हैं ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।